18 अगस्त को मुझे चिट्ठी आती है कि 4 सितंबर को आपका लेक्चर है 10 से 11:30, और आज सुबह आता है कि आपका लेक्चर कतिपय अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। देखिए, कैंसिल करने वाले से पूछा जाए कैंसिल क्यों किया गया, लेकिन मैं वाकिफ हूं कि वहां जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल विधि सम्मत प्रक्रियाओं के विपरीत हो रहा है। 18 अगस्त को मुझे चिट्ठी आती है कि 4 सितंबर को आपका लेक्चर है 10 से 11:30, और आज सुबह आता है कि आपका लेक्चर कतिपय अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। ये मेरा विश्वविद्यालय है, यहां का मैं शिक्षक हूं, यहां मैं क्लास लेता हूं, यहीं मैं पढ़ाऊं और यहीं मैं पढ़ा रहा हूं। बावजूद उसके ये क्या बात किसको नागवार गुजर रही है? मैंने अपनी बात वीसी साहब तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये बात मैं प्रधानमंत्री जी तक ले जाऊंगा, शिक्षा मंत्री जी, मैं संसद में बोल सकता हूं, सड़क पे बोल सकता हूं, अखबारों में लिख सकता हूं, अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को संबोधित नहीं कर सकता। ये क्या डर है? ऐसे बनेंगे विश्वगुरु, विश्वविद्यालय को कुएं में तब्दील करके। मैं समझता हूं कि मैं सीधे तौर पर आज के बाद प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखूंगा, शिक्षा मंत्री जी को, और संज्ञान में लाऊंगा कि देखिए आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है, अगर आपकी सहमति नहीं है इस प्रकार की परिपाटी पर तुरंत लगाम लगाया जाए, क्योंकि एक विश्वविद्यालय को मरते हुए हम नहीं देख सकते।